हेलो दोस्तों, नमस्कार। उजाला बुटीक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो है हमारी जुपिटर की कैंची। दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है जुपिटर। ये चाइना भी कंपनी बोली जाती है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन कंपनी आती है। दोस्तों, इसकी कैंची की धार काफ़ी तीखी होती है और एकदम मस्त होती है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी दिनों से चला रहे हैं तो ये अब धार थोड़ी इसकी गड़बड़ हो गई है। अब ये कैंची सही से कपड़ा नहीं काट रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे जो कि हमारी कैंची अच्छे से चलने लगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें खुशी मिले, अब तक हमारे वीडियो आसानी से पहुँचते हैं। तो दोस्तों, कैंची की धार लगाने से पहले ध्यान रखें, सबसे पहले हमें इसमें तेल ज़रूर लगा लेना है। तेल लगाने से हमारी धार ख़राब नहीं होती है और कैंची भी एकदम सही और सॉफ्ट बनी रहती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कैंची में धार लगाने से पहले हम कैंची में तेल ज़रूर लगाते हैं। दोस्तों, पहले हम आपको दिखाते हैं कभी इसमें क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं दोस्तों, कपड़ा बिल्कुल काट नहीं रही है। ये पहले जब लेके आए थे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से कपड़ा काटती थी, लेकिन अब ये कपड़ा सही से नहीं काट रही है। तो दोस्तों, यही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें एक कैंची लेनी है। कैंची अगर आपके पास ना हो तो आप, दोस्तों कैंची अगर आपके पास ना हो तो आप ये रॉड भी ले सकते हैं। रॉड से हमें क्या करना है, हल्के से आहिस्ता से हमें ऐसे करके करना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, हल्के से करना है। अगर ज़्यादा तेज़ी से करेंगे तो हमारी कैंची में दांत पड़ सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आराम से, आसानी से हम ऐसे करके इसे चलाएँगे तो हमारी कैंची 100% वर्क करने लगेगी। ऐसे करके हम कैंची को चलाएँगे, एकदम चिकने वाले हिस्से पे, गोल वाले हिस्से पे ऐसे करके चलाएँगे। दोस्तों, ऐसे लगभग 30 सेकंड करीब करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास कैंची है तो हम कैंची की सहायता से बताएंगे आपको। हल्के से, मामूली से इसके धार के ऊपर ऐसे करके ऐसे करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है जिससे मेरी धार में लौट जाए। देखें, ये वाला हिस्सा है इसका कैंची का, ये इस पर ऐसे करके फिराएंगे और ऐसे करके इस पर भी इस साइड फिरा लेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं आपका प्यार पाने के लिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास कैंची ना हो तो आप, दोस्तों कैंची ना हो तो आप इसकी मदद से ऐसे करके कर सकते हैं। अगर आपका पेंचकस भी ना हो तो ऐसे इसकी मदद से कर सकते हैं ऐसे करके, अथवा आप जे वाली जो धागा चलाने वाली जो कील है इसकी मदद से भी आप ऐसे करके कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले तब आप ऐसे करके कर लें तो आपकी कैंची 100% वर्क करने लगेगी, क्योंकि इस कैंची में हम रेगमाल यूज नहीं करेंगे, जो कागज़ जो घिसने वाला आता है उससे यूज नहीं करेंगे, नहीं तो मेरी कैंची ख़राब हो जाएगी, फिर हमें सान रखवाने मार्केट जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इतना आप कर लें तो आपकी कैंची एकदम शानदार हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम सबसे पहले हमें पन्नी को काटना है, पन्नी काटने से हमारी कैंची और भी तीखी धार हो जाएगी और एकदम ऐसे करके हम जब चाहें तब काट सकते हैं। दोस्तों, अब हमारी कैंची एकदम ओके हो गई होगी, तो अब हम इसे चेक करते हैं कपड़े पे काट के। दोस्तों, देख सकते हैं हमारी कैंची एकदम चकाचक चलने लगी है, एकदम पानी की तरह दौड़ने लगी है, देख सकते हैं दोस्तों। अब कोई भी कपड़ा काटें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, यही था वीडियो, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम अच्छे अच्छे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।